अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वंती रिव्यूज़। आज हम बना रहे हैं इस वक्त लॉकडाउन का सबसे ट्रेंडिंग थ्री इंग्रेडिएंट्स चॉकलेट केक, जो कि बहुत सॉफ्ट होगा। अब हम अपने पैन को ग्रीस कर लेते हैं। इसका मेथड मैं सेपरेटली भी अपने अकाउंट में एक प्रॉपर वीडियो की फॉर्म में अपलोड कर दूंगी, और एक इस वक्त मैं आपको एक क्विक व्यू दे देती हूँ। सबसे पहले आप ब्रश के थ्रू अपने पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। कॉर्नर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप अपने हैंड से कर सकते हैं। अच्छी तरह से ग्रीस करिएगा, साइड्स भी ऊपर तक आपने ग्रीस करनी है। 1 टीस्पून फ्लोर लेकर उसको एक स्मॉल स्ट्रेनर में डाल लिया और उसके थ्रू हम डस्ट करेंगे। अच्छी तरह से डस्ट करेंगे, इससे हमारा केक जो है वो स्टिक नहीं होगा। जो एक्स्ट्रा फ्लोर होगा उसको आप टैप करके, उल्टा करके अपने पैन को टैप करके रिमूव कर दें। अब आप देखें, अगर आपको कहीं पर कम फील हो रहा है तो आप वहाँ भी डस्ट कर दें। अच्छी तरह से सारे एरिया को कवर कर दें फ्लोर में, और टैप ज़रूर करिएगा ताकि हमारे केक में मिक्स ना हो। अब हम अपने इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं ओरियो बिस्किट्स 300 ग्राम्स या 36, मिल्क हमने लिया है 6 टेबल स्पून और 1 इनो पैकेट। अब हम अपने ओरियो बिस्किट को ब्रेक करेंगे। मैंने ओरियो लिया है, आप कोई भी क्रीम बिस्किट ले सकते हैं, जैसे कि लेमन सैंडविच या कोई भी। इनको ब्रेक करके चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। अच्छी तरह से चॉप करेंगे बार बार मिक्स करके, अदरवाइज क्रीम नीचे बैठ जाएगी। बार बार मिक्स करते रहिएगा। अब हमारा ये पाउडर रेडी है। इस मिक्सचर को हम अपने बाउल में निकाल लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह चेक कर लें, तमाम बिस्किट्स फुल क्रश हो चुकी हूँ। अब हम इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे। इस वक्त हम 4 टेबलस्पून मिल्क ऐड करेंगे और मिल्क ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कट फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने लिया है 1 इनो पैकेट। आप इसकी जगह 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि आपने 300 ग्राम बिस्किट्स में ही 1 इनो पैकेट डालना है। अगर आप बिस्किट्स की क्वांटिटी कम कर देंगे तो आपको इनो की क्वांटिटी भी कम करनी होगी। अगर आप 300 ग्राम्स के बजाय 150 ग्राम्स बिस्किट्स देते हैं तो आप 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे, बेकिंग सोडा लेंगे। अब रिमेनिंग 2 टेबल स्पून इसमें मिल्क ऐड कर दिया। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, बेकिंग सोडा या इनो, मिल्क एंड बिस्किट्स। अच्छी तरह से मिक्स करिएगा। कट फोल्ड मेथड से भी मिक्स करें ताकि सारा ऊपर नीचे से मिक्स हो जाए। अब हम अपने बैटर को पैन में डाल देंगे। मैंने हार्ट शेप पैन लिया है, आप राउंड भी ले सकते हैं, स्क्वायर भी। अच्छी तरह से टैप करेंगे ताकि कोई एयर बबल्स ना रह जाएं। लो फ्लेम पर अपने प्रेशर कुकर को प्री हीट कर लिया 10-15 मिनट्स के लिए, और उसके अंदर एक वायर स्टैंड रखा हुआ है। अब उसके ऊपर अपने केक के पैन को रख दिया। इसको 40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। हमारा केक जो है वो बेक हो चुका है, 40 मिनट्स गुजर चुके हैं। टूथपिक से चेक करें आप, अगर टूथपिक आपकी क्लीन आती है तो इसका मतलब है केक प्रॉपरली बेक है। ये आप देखें, हार्ट शेप केक रेडी है। अब यहाँ पर हम चॉकलेट टॉपिंग प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो आप ना लगाएं। केक वैसे ही इतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है कि उस पर ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी लगाने की। ये आप अपनी डिज़ायर के मुताबिक डिसाइड करें। यहाँ पर मैंने एक मिल्क चॉकलेट ली और उसमें 1 टेबल स्पून
टू टेबलस्पून मिल्क ऐड कर देंगे और इसको मेल्ट कर लेंगे माइक्रोवेव में इंटरवल्स में। यह हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है, इसकी कंसिस्टेंसी भी देख लें। अब हम चॉकलेट को केक के ऊपर डालेंगे। अच्छी तरह से तमाम साइड्स पर स्प्रेड कर लें। कोई भी साइड खाली नहीं रहनी चाहिए। अब हम इसको क्रीम टॉपिंग से डेकोरेट करेंगे। ये होममेड क्रीम है जो मैंने खुद अपने अपने घर की चीज़ों से बनाई है। ये व्हिपिंग क्रीम नहीं है जो मार्केट में होती है। इसकी रेसिपी मैं जल्द ही अपलोड करूँगी, फुल डिटेल रेसिपी। ये आप देखिए हमारा केक रेडी है। इसको आप ओरियो बॉल्स के साथ सर्व करें जो कि हमने पिछली वीडियो में बनाए थे। इसको कट करके खुद भी इंजॉय करें और अपनी गेस्ट को भी बनाकर खिलाएं। बहुत क्विक है ये, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं खुद भी हैरान थी। ये इतना सॉफ्ट बना था और बहुत मज़े का। इस केक को रेफ्रिजरेट ना करिएगा, अगर आप रेफ्रिजरेट करें तो किसी बंद बॉक्स में माइक्रोवेव कर लीजिएगा 10-15 सेकंड्स। ये आप देखिए हमारा बहुत मज़ेदार केक रेडी है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।